देखिए अफगानी टिक्का के लिए हमने पूरा सेटिंग रेडी कर लिया है। अब आप लोग को बताएंगे कौन कौन सा मसाला है। सबसे पहले देखिए चाट मसाला ले लिए हैं, उसके बाद देखिए गार्लिक चॉप कर लिए हैं, फिर देखिए ये कस्तूरी मेथी, उसके बाद देखिए धनिया चॉप कर लिए हैं, ये देखिए जीरा पाउडर ले लिए हैं, और ये देखिए काला नमक और वाइट नमक ले लिए हैं। उसके बाद देखिए ये धनिया पाउडर ले लिए हैं, और ये जो है अदरक लहसुन पेस्ट बना लिए हैं। उसके बाद देखिए ये किचन किंग ले लिए हैं, और ये जो है सबसे ज़रूरी है तंदूरी मसाला है, ये इसको आप लोग के हर मसाले में तंदूर में डालना है। उसके बाद देखिए दही ले लिए 200 ग्राम, मिर्ची पेस्ट बना लिए हैं, और चीज़ ले लिए। देखिए अब इस सब को मिक्स करेंगे। देखिए अब उसमें सब मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले तंदूरी मसाला डालें, उसके बाद किचन किंग डालें, ये देखिए धनिया पाउडर डालें, ये देखिए जीरा पाउडर डालें, उसके बाद नमक डाल रहे हैं, ब्लैक नमक वाइट नमक, उसके बाद देखिए धनिया चॉप कर लिए हैं, ये देखिए कस्तूरी मेथी, ये किचन किंग, ये देखिए लहसुन को चॉप कर लिए हैं, ये देखिए पहले बोनलेस कर लिए, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालने के बाद 2 घंटे ऐसे ही रख दिए, मसाला अंदर तक गया। उसके बाद अब इसको मसाले में पूरा मिक्स करेंगे। देखिए चिकन को उसमें डालेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हल्दी पाउडर ले लिए, उसको घोल बनाए इसमें कलर लाने के लिए। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। देखिए मसाला को मिक्स करने के बाद 1 घंटा आप लोग को ऐसे ही रखना है। ये देखिए 1 घंटा हो गया, अब इसको सलिया में लगाएंगे। ये देखिए टिक्का को कैसे लगाना है, एक एक पीस फंसाना है। देखिए अभी आप लोग को बताएंगे कैसे लगाना है। सबसे पहले आगे का एक पीस फंसना है, उसके बाद दोबारा लेना है, फिर उसके बाद लास्ट होना है। देखिए आप लोग को कैसे लगाना है। ये देखिए कबाब लगा लिए, अब जो उसका जो मसाला बचा है ऊपर से आप लोग को उसको लगा देना है। देखिए ऊपर नीचे दोनों लगाना है अच्छी तरह से। अब इसको 10 मिनट तंदूर में हाफ डाउन करेंगे। ये देखिए हाफ डाउन हो गया है। अब हाफ डाउन के बाद इसको हल्का हल्का सा गैप बनाना है। देखिए देखिए अब इसमें बटर लगाएंगे। देखिए बटर लगा लिए, अब बटर लगाने के बाद 10 मिनट इसको कूल डाउन पकाना है। ये देखिए कबाब पक के रेडी हो गया है। आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है रेसिपी कैसे लगी आप।